नागपुर में आए हैं यहाँ पुलिस कमिश्नर को निवेदन देने के लिए। ऑटो चालकों की बहुत बुरी हालत है इस पैंडमिक में। स्कूल सब बंद हुए हुए हैं, स्कूल के बच्चों को नहीं लेके जा सकते। 80% उनका जो काम है 80% से वो कम हो गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जो प्राइवेट फाइनेंस जो उन्होंने ऑटो में प्राइवेट फाइनेंस किए थे, वो लोग आ रहे हैं ऑटो उठाने के लिए और जबरन उनसे वसूली करने के लिए, जो एक बहुत ही केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इसमें कुछ सोचना चाहिए। हमारी बहुत सारी मांगे हैं ऑटो चालकों की तरफ से। 5,000 रुपये महीना दिल्ली सरकार की तर्ज पर उनको 5,000 रुपये महीना दिया जाना चाहिए। लोन 1,00,000 रुपये तक का लोन बिना किसी शर्त के उन लोगों को, ऑटो चालकों को दिया जाना चाहिए। और उनका बच्चों की जो स्कूल फीस है वो वेव ऑफ माफ़ी कर देनी चाहिए। जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो माफ़ कर देना चाहिए। जो बिजली का बिल है वो माफ़ कर देना चाहिए, तभी हम बेहतर एक समाज बना पाएंगे। इन लोगों के उत्थान, मतलब जो ये इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो परेशानियों में जूझ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं आज हमारे ऑटो चालक भाई, उन लोगों को इसमें आराम मिले, इसके लिए हमारी सीपी से भी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हमारी कलेक्टर से और हमारी मुख्यमंत्री से भी यही अपील है कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं संजय आना सांगे, आप नागपुर ऑटो संगठन, हम लोग नागपुर सिटी पुलिस आयुक्त कार्यालय यहाँ निवेदन देने आए। जो ऑटो वालों की समस्या है, जैसे अभी लॉकडाउन 6 महीना था और 6 महीने के बाद अभी थोड़ा बहुत खुला हुआ है, तो जिसमें ऑटो वाले अभी कुछ अपनी रोज़गार के लिए ऑटो लेके बाहर निकले। लेकिन इसमें क्या हो गया है, जैसे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है बहुत सी, तो जिन्होंने ऑटो बाहर, जैसे उनका कुछ स्थगित है, जैसे 2 महीने का स्थगित है, तो ये स्विजर लोग यानी 4-5 घंटे ऐसे जमा करके गाड़ी स्विच कर रहे हैं, उससे ऑटो वाला इतना परेशान है। पहले 6 महीने से परेशान था, अभी उसकी रोजी रोटी छिनी जा रही है। इसके लिए हम ऑटो वाले की जो समस्या थी, जिन्होंने ऑटो वालों ने हमको बताया भैया ऐसी ऐसी मुसीबत है, तो आज हम निवेदन लेके आए हैं, जिसमें हमारे नागपुर के अध्यक्ष कविता सिंगल जी और ऐसे 2-4 कार्यकर्ता है और जैसे शहीद भाई है ना, तो हबीब भाई, हाफिज़ भाई और शंकर इंगोले, आकाश कांबड़े, छाबड़े जी, रोशन डोंगरे जी, ये सब कार्यकर्ता यहाँ आकर पुलिस आयुक्त कार्यालय पे निवेदन किया है।